हमारी कहानी मिगुएल के नजरिए से सुनाई गई है, जो एक मैक्सिकन लड़का है और हमें एक संगीतकार की कहानी बताता है जिसने अपने परिवार को छोड़कर एक महान कलाकार बनने का सपना देखा। इस घटना के बाद उसकी मां ने संगीत से जुड़ी हर चीज को छोड़ दिया और अपनी बेटी की देखभाल करने और जूते बनाने में लग गई। ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और पारिवारिक व्यवसाय बन गया। वो लड़की थी मिगुएल की परदादी इमेल्डा, जिनकी आत्मा के दिन पर पूजा होती थी, और उनकी बेटी मिगुएल की दादी कोको, जो परिवार की मजबूत नींव थी और जिन्हें मिगुएल बहुत प्यार करता था। उसकी दादी, जो परंपरागत पुरानी औरत थी, चप्पल फेंकने में माहिर थी और घर की बॉस थी। उन्होंने सब कुछ संभाला और संगीत से नफरत करती थी, जबकि मिगुएल संगीत से बहुत प्यार करता था। मिगुएल को अनेस्टो डे ला क्रूज, जो मेक्सिको के महान संगीतकारों में से एक थे, बहुत पसंद थे। अनेस्टो ने बहुत सारी मशहूर गाने और फिल्में दी थी, लेकिन 1942 में एक शो के दौरान एक बड़ी घंटी उनके ऊपर गिर गई थी। मिगुएल अनेस्टो की तरह बनने का सपना देखता था और उनकी कब्र पर गया क्योंकि उसे उनसे जुड़ाव महसूस होता था, लेकिन वो उदास था क्योंकि वो संगीत नहीं बजा सकता था। फिर एक मरियाची ने उसे कहा कि अपने परिवार का सामना करो और अपना सपना जियो। उसने मिगुएल को अपनी गिटार दी और जब मिगुएल बजाने ही वाला था, उसकी दादी वहां आ गई और मरियाची के चेहरे पर चप्पल फेंक कर उसे धमकाया। इससे मिगुएल बहुत हतोत्साहित हुआ। संक्षेप में, रिबेरा परिवार जूते बनाने में माहिर था और अपने वर्कशॉप में मिगुएल ने उन्हें बताया कि वो डेट के दिन टैलेंट शो देखने जा रहा है और उसमें भाग लेना चाहता है, लेकिन उसकी दादी ने मना कर दिया क्योंकि वो दिन परिवार के लिए बहुत खास था। यह वो रात थी जब पूर्वज उन्हें मिलने आते थे। अगर वे उनकी तस्वीरों और खाने का प्रसाद नहीं रखते तो वे नहीं आ पाते। फिर डांटे हमें मिगुएल के गुप्त छुपने की जगह ले जाता है, जहां उसके पास एक पुरानी गिटार थी जिससे वो बिना देखे बजा सकता था। उसके पास अनेस्टो डे ला क्रूज के लिए एक बड़ा प्रसाद भी था जो उसे खेलने के लिए प्रेरित करता था। मिगुएल ने तय किया कि वह रात के शो में प्रदर्शन करेगा, इसलिए उसने अपनी गिटार ली और भागने की कोशिश की। फिर भी उसके माता पिता और दादी ने उसे रोक लिया और कहा कि अब वो जूता बनाने वाला बनेगा, जिससे वह खुश नहीं था। फिर डांटे ने प्रसाद का एक प्लेट खा लिया और उसकी परदादी की तस्वीर फेंक दी, जिससे पता चला कि उसके परदादा अनेस्टो डे ला क्रूज एक संगीतकार थे। पर उसकी खुशी उसे मुसीबत में डाल दी। उसकी दादी ने उसके सारे सामान निकाल दिए और उसे डांटा। मिगुएल ने अपने जुनून की रक्षा की, लेकिन उसकी दादी नाराज हो गई, इसलिए मिगुएल ने कहा कि उसे डेट के दिन की परवाह नहीं है। इससे दादी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मिगुएल का दिल तोड़ दिया। मिगुएल तस्वीर लेकर भाग गया और सीधे उस चौक में गया जहां शो होने वाला था। उसने गिटार खोजने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे नहीं दी, तो उसने अपने परदादा की गिटार लेने का फैसला किया। वो कब्रिस्तान गया जहां एक बड़ा प्रसाद रखा हुआ था। मिगुएल ने कब्र में प्रवेश किया और गिटार से माफी मांगी। फिर कुछ जादू ही हुआ। लोग गिटार चोर को खोज रहे थे, लेकिन कोई मिगुएल को नहीं देख सकता था। वह एक आत्मा की तरह दिख रहा था। उसे केवल मृत लोग देख सकते थे, जो उसे देखकर हैरान थे। अच्छी बात ये थी कि डांटे भी उसे देख सकता था, साथ ही उसके मरे हुए रिश्तेदार, जो नहीं समझ पा रहे थे कि वह आधा जीवित और आधा मृत क्यों है। तभी उन्हें पता चला कि मामा इमेल्डा पार नहीं कर सकी क्योंकि उनकी तस्वीर वेदी पर नहीं थी, इसलिए उन्हें इसे ठीक करना था। उन्होंने मिगुएल को जीवन और मृत्यु के बीच के पुल से पार कराया, जो गेंदे के फूलों की पंखुड़ियों से बना था। मृतकों की दुनिया जादुई थी, सभी रंगों के एलिब्रिज से भरी हुई। वहाँ कस्टम्स भी थे जिन्हें पार करना पड़ता था। प्रसाद में रखी तस्वीरों के कारण लोग वहाँ जा सकते थे, लेकिन एक कंकाल जिसकी कोई परिवार नहीं थी, वह नहीं जा पाया। उन्होंने मिगुएल को सुरक्षित रूप से देखने के लिए ले गए कि उसके साथ क्या करना है। फिर उन्होंने हमें माँ इमेल्डा से मिलवाया, जो काफी सख्त महिला थी। मामले की बात ये थी कि प्रबंधक ने बताया कि वे जादू के कारण वहाँ थे क्योंकि मिगुएल ने एक मृत व्यक्ति की वस्तु चुरा ली थी और चूंकि उसके पास माँ इमेल्डा की तस्वीर थी, वो पार नहीं कर सकता था। कंकाल ने मिगुएल को बताया कि केवल एक परिवार का सदस्य उसे मृतकों की दुनिया से वापस जीवित लोगों की दुनिया में भेज सकता है, लेकिन सुबह से पहले वरना वह मर जाएगा। माँ इमेल्डा ने एक गेंदे की पंखुड़ी ली और उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन शर्त रखी कि वो फिर कभी संगीत नहीं बजाएगा। मिगुएल ने वादा नहीं निभाया और वो फिर से मृतकों की दुनिया में लौट आया। वे तुरंत मर गए, कोई भी उसे आशीर्वाद देने को तैयार नहीं था, इसलिए मिगुएल ने दूसरे रिश्तेदार को ढूंढने की कोशिश की। उसने अनेस्टो डे ला क्रूज को ढूंढने की कोशिश की और पुलिस स्टेशन में छुप गया, जहां वो बेघर व्यक्ति था जिसने पुल पार करने की कोशिश की थी। उसने पुलिस को बताया कि अनेस्टो डे ला क्रूज उसका दोस्त है।
ये सुनकर मिगुएल ने उसकी खोज शुरू की और मदद मांगी। फिर माँ इमेल्डा ने अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक से मिगुएल को ढूंढने के लिए कहा, जो हेक्टर द्वारा लाश जैसा दिखने के लिए तैयार किया जा रहा था। मामला ये था कि उसने उसे कहा कि वो उसकी मदद करेगी। अनेस्टो डे ला क्रूज ने अपनी तस्वीर प्रसाद में रखी थी, इसलिए वे उन सभी गलियों से गुजरे जहां डे ला क्रूज रिहर्सल कर रहा था। इसके लिए उन्हें हेक्टर के एक परिचित से मिलना पड़ा, जहां डिएगो रिबेरा और फ्रिदा काहलो दिखाई दिए, जो डांटे से मोहित थीं। मिगुएल ने फ्रिदा की मदद की, जिससे अनेस्टो डे ला क्रूज दिखाई देगा। लड़के ने उससे उसकी मदद मांगी। फ्रिदा ने उसे बताया कि वो कहां था, लेकिन उसकी हवेली में प्रवेश करने के लिए उसे टैलेंट शो जीतना होगा। इस बीच उसका परिवार उसे खोजता रहा, लेकिन गरीब आदमी धीरे धीरे कंकाल में बदल रहा था। हेक्टर उसे एक जगह ले गया जहां वे गिटार पा सकते थे, भूलने वालों की जगह, वे लोग जिनका कोई परिवार नहीं था। उन्होंने एक दोस्त से गिटार उधार लेने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे कोई याद नहीं करता था। हेक्टर ने उसके लिए एक गीत बजाया, उसे सुनकर पुराना कंकाल अपने अंतिम मरने में लुप्त हो गया। अब शहर के बीच में हेक्टर ने मिगुएल से कहा कि उसे ये लेना चाहिए, जिससे उसने उसे संगीतकार बनना सिखाया। फिर प्रदर्शन पर कई तरह के संगीतकार आए। मिगुएल बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं बजाया था, इसलिए हेक्टर ने उसे कंकाल से मिलने की सलाह दी और वे जोर से चिल्लाए ताकि तनाव दूर हो सके। मंच पर आने के बाद मिगुएल लगभग बजाने में असफल रहा, लेकिन उसने शानदार आवाज और आकर्षक लय के साथ इसे पूरा किया। लोग बहुत खुश थे, लेकिन उसका परिवार वहां आ गया। हेक्टर ने देखा कि मिगुएल के पास और भी रिश्तेदार थे और इससे केवल उसका समय बर्बाद हो रहा था। जब हेक्टर ने उसे ये बताया तो मिगुएल भाग गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हेक्टर डे ला क्रूज तक पहुंचे। वह भागता रहा, लेकिन माँ इमेल्डा ने उसे ढूंढ लिया। मिगुएल ने उससे कहा कि उसकी जिंदगी बर्बाद करना बंद करे। जब उसने ये सुना तो इमेल्डा गाने लगी और उसे बताया कि वो संगीत से प्यार करती थी, लेकिन उसके पति ने उस जुनून को खत्म कर दिया। तो मिगुएल ने उससे कहा कि यह उसका जीवन है, उसका समर्थन करे, जो उसने परिवार में किया था। फिर वह अनेस्टो डे ला क्रूज की पार्टी में चला गया। मेहमान वहां पहुंचे और चूंकि मिगुएल अंदर नहीं जा सकता था, उसने संगीतकारों से मदद मांगी। जब वह हवेली में पहुंचा तो वह सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ गया, जहां उसने अंततः अनेस्टो से मुलाकात की, जिसने उसे पार्टी के पीछे देखा। वहां एक बड़ा जश्न था, जिसमें गिटार के आकार का पूल और बहुत सारे मृत लोग थे। चूंकि वह अनेस्टो को नहीं खोज सका, उसने सबका ध्यान खींचने के लिए गिटार बजाया। दुर्भाग्यवश वो पानी में गिर गया, तो अनेस्टो ने उसके लिए छलांग लगाए। फिर मिगुएल ने उसे सब कुछ बताया कि वो उसका परदादा है और उसे उसका आशीर्वाद चाहिए। गर्व के साथ अनेस्टो ने हाँ कहा, और यहाँ तक कि इस बारे में डींग मारी। इन्फोंटे नेगेटे और यहाँ तक कि कांटिन फ्लास भी अच्छा समय बिता रहे थे। वो ये मान ही नहीं पा रहा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी उसकी इज्जत की थी, जबकि वो उसके इतना करीब था। और जैसे ही मिगुएल को दूसरी तरफ जाना था, अनेस्टो ने उसे आशीर्वाद देने की कोशिश की, तभी अचानक हेक्टर आ गया। अनेस्टो ने उसे बताया कि उसने हेक्टर के सारे गाने चुराए और सारा श्रेय खुद ले लिया, जिससे हेक्टर को भुला दिया गया। जब हेक्टर ने ये बताया तो उसने मिगुएल को अपनी मौत की कहानी बताई। हेक्टर महीनों से टूर पर था और अपने परिवार के पास वापस आना चाहता था। अनेस्टो ने उससे कहा कि कम से कम वो अपनी दोस्ती का जश्न मना सकते हैं, और उसे एक शॉट टकीला दी। कुछ समय बाद हेक्टर मृत अवस्था में जागा, ये जानकर कि अनेस्टो ने उसे जहर दिया था और उसके सारे लेखन, उसका जुनून और उसकी जीने का मौका चुरा लिया था। इसके बाद मिगुएल को अनेस्टो पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, जिसने हेक्टर की तस्वीर चुरा ली और मिगुएल को आशीर्वाद देने से मना कर दिया और उसे पानी में फेंक दिया आधा मृत। हेक्टर ने मिगुएल को ढूंढा और उसे सांत्वना दी, लेकिन गरीब आदमी ताकत खो रहा था क्योंकि लोग उसे भूलते जा रहे थे। उसकी बेटी, उसकी एकमात्र रिश्तेदार, उसे भूलने लगी थी। ये सुनकर मिगुएल ने उसे तस्वीर दिखाई, ये जानकर कि हेक्टर उसका असली परदादा है, अनेस्टो नहीं। हेक्टर ने उसे बताया कि उसने अपनी बेटी के लिए एक गाना लिखा था, रिमेम्बर मी, एक खूबसूरत धुन जो एक पिता के भावनाओं को बयां करती है जो जा रहा था और उसे नहीं भूलेगा। ये जानकर हेक्टर में ऊर्जा भर गई। तभी अचानक दांते और माँ इमेल्डा आ गए, जो हेक्टर को देखकर खुश नहीं थी। दांते एक एलिब्रिजे था, मिगुएल का आध्यात्मिक मार्गदर्शक। मामला ये था कि परिवार फिर से मिल गया था, लेकिन इमेल्डा ने हेक्टर को अस्वीकार कर दिया। तो मिगुएल ने उसका बचाव किया और उसे बताया कि हेक्टर कैसे मरा था। इसके बाद हेक्टर को फिर से भुलाया जाने लगा। इमेल्डा को उस पर दया आई और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया।
वे अर्नेस्टो डे ला क्रूज की तलाश में निकल पड़े ताकि हेक्टर की तस्वीर वापस ले सके। लेकिन तब तक शो शुरू हो चुका था, इसलिए सभी भाग गए। वे डे ला क्रूज से मिले और उन्होंने उसे पूरे इलाके में दौड़ाया। उन्होंने तस्वीर तो ले ली, लेकिन दुख की बात है कि इमेल्डा मंच पर चली गई। वह हैरान थी, लेकिन फिर उसने ला अलोरोना गाना शुरू किया और हेक्टर के गिटार के साथ उन्होंने एक परफेक्ट डुएट किया। सभी लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत अच्छा शो किया, लेकिन अर्नेस्टो शो को चुराने के लिए पीछे नहीं रह सकता था। इससे इमेल्डा और हेक्टर के बीच पुरानी यादें ताजा हो गईं। फिर वो लोग मिगुएल को आशीर्वाद देने ही वाले थे कि अचानक अर्नेस्टो आ गया, बच्चे को पकड़ लिया और कहने लगा कि दुनिया को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि इससे उसकी छवि खराब हो जाएगी। अच्छी बात ये थी कि मिगुएल की बुआओं ने इसे रिकॉर्ड कर लिया और सबने सुन लिया। मिगुएल ने सबके सामने उसे बेनकाब किया और कहा कि वो एक नकली और चोर है। ये सुनकर अर्नेस्टो ने मिगुएल को खाई में फेंक दिया, लेकिन इमेल्डा का एलिब्रिज उसे बचा लिया, लेकिन हेक्टर की फोटो खो गई। इस बीच लोग अर्नेस्टो डे ला क्रूज को बू करने लगे और पिलोन एक आत्मा ने उसे घेर लिया और एक बड़े घंटे में फेंक दिया। क्या ये दुर्घटना थी? मुझे नहीं लगता। दुर्भाग्य से हेक्टर को भुलाया जा रहा था और मिगुएल मर रहा था, इसलिए उन्होंने उसे बिना शर्त जीवितों की दुनिया में वापस भेज दिया। मिगुएल सीधा घर भागा और माँ कोको के कमरे में गया। उसने अपनी माँ कोको से उसके पिता हेक्टर के बारे में बात की। उसने कहा कि वो उसे प्यार करता है और कभी नहीं भूलेगा। लेकिन माँ कोको की याददाश्त खो रही थी, इसलिए मिगुएल ने गिटार उठाया और उन्हें वही गाना सुनाया जो उसके पिता गाया करते थे। ये सुनकर माँ कोको ने प्रतिक्रिया दी और गाने लगी। इससे उनकी याददाश्त वापस आ गई। उन्होंने एक दराज खोला और अपने पिता की फोटो निकाली। कुछ समय बाद सबने अर्नेस्टो डे ला क्रूज को भुला दिया। इसके बजाय सबने महान संगीतकार हेक्टर रिबेरा को याद किया। मिगुएल ने मुर्दों के दिन की सराहना करनी शुरू कर दी, जहां हेक्टर आखिरकार इतने सालों बाद अपनी बेटी से मिल पाया और अंत में उसके पास एक परिवार था जो माँ कोको की याद की वजह से एकजुट था।